सत्तारूढ़ वापस आए तो देशद्रोह कानून को और सख्त बनाएंगे राजनाथ सिंह। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में दोबारा आई तो देशद्रोह कानून और सख्त बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि देशद्रोह कानून खत्म कर देंगे, किन वे किन लोगों को संकेत दे रहे हैं। अगर कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैं जब 7 साल का था तो कांग्रेस सबसे गरीबी हटा रही है, पीयूष गोयल का बयान। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह 7 साल के थे, तब से गांधी परिवार देश की गरीबी हटाने की बात कर रहा है। गोयल ने कहा है कि वह अब 54 साल के हैं और अभी भी उन्हें कांग्रेस से ये कही गई बात सुनने को मिल रही है। यह देश सिर्फ हिंदू सिख और मुसलमानों का नहीं, महबूबा मुक्ति का बयान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एनआरसी वाले बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। बदर महबूबा, चुनाव जीतने के लिए अमित शाह द्वारा प्रयोग की जा रही भाषा गलत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह देश सिर्फ हिंदू सिखों और मुसलमानों का नहीं, सबका है। प्रधानमंत्री मोदी के हमसकल लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल बताने वाले अभिनंदन पाठक ने गृह मंत्री लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ नामांकन किया है। अभिनंदन यह 26 अप्रैल को वाराणसी के पीएम के खिलाफ भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा, जीतने के बाद मैं पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल का समर्थन करूंगा। बहुत हुआ लौटाओ बेटा राबड़ी ने तेज प्रताप से घर लौटने की अपील। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शुक्रवार को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से घर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा है कि बहुत हुआ लौटाओ बेटा बतौर राबड़ी, इसमें से कोई सच्चाई नहीं है कि उन्हें उनके दोनों बेटे में मतभेद है। बतौर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्य से तलाक की अर्जी देने के बाद तेज घर नहीं आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दुगुना और शैलेंद्र पटेल विदिशा से कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने 7 और लोकसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी में मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शैलेंद्र पटेल और राजगढ़ से मोना सुस्तानी को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा पंजाब के आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। बिहार के वाल्मीकि नगर सीट से शांत केदार को टिकट मिला है। अरे भाई, कहीं सुना है कि स्कूल की अदला बदली से फेल लोग पास हो जाते हैं, अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, अरे भाई, सुना कभी है कि स्कूल की अदला बदला करने से फेल हुए लोग भी पास हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी पीलीभीत और सुल्तानपुर के प्रत्याशियों की अदला बदली से ये नामुमकिन को मुमकिन कराने चाहती है, लेकिन दोनों जगह की जनता हेडमास्टर बन के इनको स्कूल से बाहर करने की तैयारी में बैठी है। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच हुआ गठबंधन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी शुक्रवार को गठबंधन की घोषणा की है। इसके तहत जेजेपी 7 और आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगी। गैर मतलब है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आप जेजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन प्रस्तावित किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया था। अगर सन्यासी की बात नहीं मानते तो वह पाप दे जाता है, मतदाताओं से साक्षी महाराज। उन्ना यूपी के लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशियों साक्षी महाराज ने कहा है कि जब एक सन्यासी दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है और अगर उसकी बात नहीं मानी जाती तो वह गृहस्थी का पुण्य ले जाता है और पाप देकर चला जाता है। उन्होंने कहा है कि मैं वो वोट मांगने में आया हूँ जिससे 125 करोड़ भारतीयों की किस्मत सुधरती है। कांग्रेस में लौटी 4 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाली कृष्णा तीरथ। 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाली यूपीए सरकार में मंत्री रही कृष्णा तीरथ शुक्रवार वापस कांग्रेस में शामिल हो गई है। गौरतलब है कि तीरथ ने बीजेपी के टिकट पर 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। तीरथ दिल्ली के 2 बार सांसद भी रह चुकी है। कुमार स्वामी ने कहा, जिसके पास खाना नहीं है वह सेना में जाते हैं। बीजेपी कर्नाटक बीजेपी में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने वीडियो ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है ये सेना में जाते हैं। यही कुमार स्वामी का ट्वीट
ट्वीट किया है कि बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए गलत व्याख्या के साथ संवादित वीडियो जारी किया है। हम अकेले लड़ने को मजबूर है, दिल्ली के अलावा भी गठबंधन लड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने कहा है कि पार्टी दिल्ली में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने को मजबूर है। चाको ने कहा, आप दूसरे राज्यों में गठबंधन चाहती थी लेकिन जो व्यवहारिक नहीं है, हर राज्य अलग है। हम कल या परसों तक उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अगर आप दिल्ली से गठबंधन राजी है तो हम आज भी तैयार है। जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना ही अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगी, ईरानी का बयान। कांग्रेस स्मृति ईरानी द्वारा अमेठी में दायर नामांकन में ग्रेजुएशन नहीं होने का पर कांग्रेस द्वारा हुई आलोचना के बाद ईरानी ने कहा, जितना मुझे प्रताड़ित करोगे उतना ही अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ काम करूंगी। उन्होंने कहा है कि महिला होने के नाते ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं जो मेरे साथ कांग्रेस नेताओं ने करने की कोशिश ना की हो। चुनाव तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मुस्लिम वोटर्स से मेनका। सुल्तानपुर यूपी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार मेनका गांधी ने एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वह कह रही है कि अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, इलेक्शन में तो पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको उस जरूरत के लिए नींव डालनी है तो यहाँ माफी मांगे। बीजेपी शाह के घुसपैठियों वाले बयान पर केरल क्रिश्चियन फोरम ने बीजेपी अमित शाह के हिंदू सिख और बौद्ध शरणागतियों के अलावा सभी घुसपैठियों को देश से निकालने वाले बयान पर कहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगे। बतौर फोरम बयान से अल्पसंख्यक समुदाय आहत हुआ है और यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर देश की पहचान व अखंडता पर हमला। बताओ पाक का एजेंट कौन है? इमरान खान के बीजेपी वाले बयान पर आजम। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव।